Okay, students, good morning to all. Today we will discuss a very important topic of your carbohydrate like metabolism, that is electron transport chain. ठीक है, इसको ETC भी बोल देते हैं and ठीक है, इसको रेस्पिरेटरी चेन भी बोल देते हैं. बेसिकली होता क्या है बच्चे इसमें, हमने जब स्टडी किया था कि ग्लाइकोलाइसिस में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास NADH टू निकल के आ रहा है, जहाँ ठीक है FADH2 मॉलिक्यूल्स निकल के आ रहे हैं. दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स. ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये, इनको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं. तो हमने पढ़ा था कि एक NADH जो मॉलिक्यूल है, दिस विल प्रोड्यूस अ 3 moles ऑफ ATP. वो क्या है, ATP बनाता है. ठीक है, तो वहां पे फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भी जो प्रोडक्शन है एटीपी की वो कैसे हो रही है. तो बेसिकली दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ योर ईटीसी. ईटीसी इज अ बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉन डोनर्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और डोनर्स क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. बेसिकली यहाँ पे रिडॉक्स काइंड का मैकेनिज्म चलता है. मीन साइमल्टेनियसली देयर इज अ अक्रेंस ऑफ योर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होती है स्टूडेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कैन से. ठीक है, जब बोलो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड योर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है NADH, ठीक है, और FADH2, दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स. ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं. ठीक है, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करेंगे बच्चे, दिस दे विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर्स. वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो जो डोनेट कर देते हैं, एंड आगे फर्दर क्या है उनकी, यहाँ वहां पे हमारी ईटीसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, दे विल एक्सेप्ट. यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स होंगे दैट विल एक्सेप्ट. ठीक है, एक्ट एज एक्सेप्टर्स. सो वी विल डिस्कस. ठीक है, स्लोली सी स्टूडेंट्स, इतना पता चल गया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो बेसिकली इसमें सेट ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना है विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम्स, एंड द बेसिक साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर, ठीक है, ईटीसी बोल लो, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. एज वी वेल नो, ऑल वेल नो दैट एटीपी इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी. ठीक है, उसको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं. तो एटीपी की जो मेजर प्रोडक्शन होती है स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये क्या है, जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज की हमने ग्लाइकोलाइसिस की. ठीक है, वहां से हमें क्या है, NADH मिल गया था. देन हमने TCA पढ़ा. ठीक है, सिमिलरली फैटी एसिड्स बोल लो या अमाइनो एसिड्स बोल लो, सारे के सारे क्या है, सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंडर जाते हैं. एंड अल्टीमेट गोल क्या है बच्चे सबका, टू रिलीज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टेड इन टू वॉटर वाइल गिविंग योर सम, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, थ्रू reducing equivalents. वो क्या है, intermediate पहले बनाते हैं, that are your reducing equivalents. Then they are converted into ATP molecules in the ETC. ठीक है, see reducing equivalents ठीक है FA, ठीक है DH2, ठीक है जो होता है आपका NADH. ठीक है, ये क्या है, ये इनकी रिड्यूस फॉर्म है. ठीक है, और पहली वाली कौन सी फॉर्म होती है, ऑक्सीडाइज, दैट इज योर NAD पॉजिटिव एंड FAD positive. ठीक है, this is your oxidized form and ये क्या है, इसमें change हो जाते हैं. So these are your reduced form. फिर क्या है, ये reducing equivalents क्या है, pass किए जाते हैं बच्चे ETC में. Finally they reduce into oxygen as well as water along with they produce ATP. ठीक है, ये क्या है, ATP में क्या है, convert हो जाते हैं. Then क्या होता है बच्चे, location मैंने आपको पहले ही बता दी है that, ठीक है, जितनी भी मेरी जो जो ईटीसी के फॉर्म में हमारे पास आता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक अ कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, साइड बाय साइड हमने क्या करना है, जितने भी मेरे पास कोई एंजाइम्स है मेरी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, उनके साथ क्या है, मेरे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का क्या है, उनके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है.
and they are coupled with something and to produce energy, okay, with the help of oxygen. There is a like difference between your like oxidative phosphorylation and substrate level phosphorylation. Substrate level में हमने सीधा देखा था student कि कोई भी substrate है, ठीक है, in between like it may going some metabolic reactions, ठीक है, वो undergo हो जाता है metabolic reactions से and सीधा ही हमारे पास क्या है, जो ADP है वो क्या है, ATP में convert हो जाता है. This is like under your anaerobic conditions बोल लो, जब substrate level बोल लो, like आपको याद होएगा हमने जब सक्सीनाइल को ए को सक्सीनेट में चेंज किया था, ठीक है, इन द टीसीए साइकिल, तो देन दिस इज द, ठीक है, फॉर्म ऑफ योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. सो इन द ईटीसी स्पेशली दैट इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देर इज अ ओनली अकरेंस ऑफ योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन्स आर कन्वर्टेड, ठीक है, थ्रू योर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स टू द एटीपी. मीन्स वहां पे क्या है, वो जो एडीपी है वो क्या है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. सी, ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है सारी के सारी रिएक्शन. दैट इज व्हाई, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, इसमें हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या है, यूटिलाइज हो जाते हैं. दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, दैट इज, ठीक है, एफ ए डी, ठीक है, दीज टू आर एफ ए डी एच टू एंड एन ए डी एच. सो दीज आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये दोनों रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है. ये क्या है, यूटिलाइज होते हैं ईटीसी में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वॉटर में, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट दे लिबरेट, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ योर एटीपी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन लाइक साइट फॉर योर ETC, that is electron transport chain, उसमें होती है basically energy production वहाँ पे होती है. See student, this is the structure of your mitochondria, ठीक है, ये mitochondria का structure है. See, this is the जो outer side वाली है, one, this is your outer membrane. See, this is your outer membrane. This is your inner. This one is your inner membrane. And ये folds हुए हैं, these are known as cristae. ठीक है, ये जो folds है ना, this one एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दीज आर नोन एज क्रिस्टे. ठीक है, एंड जो ऊपर ये मैंने डॉट डॉट बनाए हुए हैं, दीज आर फॉस्फोरिलेटेड सब यूनिट्स. ठीक है, क्रिस्टी की फॉर्म्स में है. एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस वन, यहाँ पे मैं डॉट डॉट डाल रही हूँ, दिस इज योर IMS. IMS इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन स्पेस. मीन्स आउटर और इनर में जो स्पेस है, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज IMS. IMS. And this is the matrix. ठीक है, ये जो बीच में है बच्चे, this is your matrix. Matrix मतलब जो mitochondria है उसका जो बीच वाला solution है उसको हम क्या बोल देते हैं, matrix. ठीक है, this is your inner membrane, जिसको हम क्या बोल देते हैं, inner mitochondrial membrane, and it is known as IMM. ठीक है, this is your IMS. Inner membrane space, but this is IMM, and outside वाली इसको क्या बोलते हैं, देखिए हम, simple outer membrane. So these are the like parts of your mitochondria. सारा कुछ बच्चे यहीं पे होना है, ठीक है. See, धीरे धीरे देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या होएगा बच्चे, See, this is your glucose. When we are like doing your glycolysis, ठीक है, glucose is converted into pyruvate. Here we get your NAD positive into your NADH. So this is your reducing equivalent. ठीक है, ये क्या है हमारा, reducing equivalent है. Reducing equivalent. ठीक है, ये reducing equivalent है. ठीक है, ये क्या है, जाएगा बच्चे यहाँ पे. ठीक है, this will like pyruvate आगे क्या है, acetyl CoA के साथ convert हो जाता है. And this will undergo your TCA cycle, CAC को बोल देते हैं, ठीक है, citric acid cycle, ठीक है, और TCA cycle, one and the same thing, citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle, TCA cycle, Krebs cycle, किसी भी name के साथ बच्चे ये पूछ सकते हैं आपको. Here you get two type of reducing equivalents, ठीक है, one is your NAD positive, this is the oxidized form, and this will convert it into your NAD plus. ठीक है, NADH plus H positive होता है यहाँ पे. Similarly, FADH will be converted into FADH2. So this is another reducing equivalent. This is another
reducing equivalent. ठीक है, ये reducing equivalent हो गया. Another वाला, this is a one, ठीक है, first reducing equivalent, this is the another. So this is the outcome of your glycolysis and this is the outcome of your TC. Means हमें दोनों से क्या मिल रहा है ultimately, we are getting your reducing equivalent. So ठीक है, ये क्या है मेरे, these are the electron carriers, these are having a high energy of like electrons होते हैं, high amount of electrons होते हैं इनके पास, then they undergo oxidation. ऑक्सीडेशन के अंडर को जाने के बाद क्या होएगा बच्चे, ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन हो जाती है इनकी, ऑक्सीडेशन मतलब जानते हो वो क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, मीन साथ में साथ क्या होएगा, रिमूवल ऑफ योर हाइड्रोजन और आई कैन से एडिशन ऑफ योर ऑक्सीजन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो देन क्या होएगा, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, अंडर ऑक्सीडेशन चले जाते हैं एंड अल्टीमेटली मेरे पास बनता क्या बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर प्लस क्या बनता है मेरे पास, ATP, ये तीनों चीजें बन जाती है अल्टीमेटली. ठीक है, तो हमारा गोल क्या है, जो भी बॉडी में चीजें हैं उनको यूटिलाइज करना अच्छे से, ठीक है, एंड देन आगे क्या है, उनका प्रोसेस करना, उनको यूज करना फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, इंट्रोडक्शन और आई कैन सी ओवरव्यू ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया. देन फॉर कैरिंग आउट पर्टिकुलरली दिस लाइक ऑक्सीडेशन, ठीक है, हमें लाइक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स तो हमें मिल गए, बट रिक्वायरमेंट्स होती है ईटीसी को रन करने के लिए. सो दीज आर द सम रिक्वायरमेंट्स, क्या हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो यही है, ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग योर ईटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, दैट वी नीड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सो वी नीड टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, फर्स्ट इज योर NADH, दैट इज योर NADH की फुल फॉर्म होती है बच्चे, निकोटिनामाइड एडिनिन न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है, H stand for your hydrogen, then next is FADH2, that is flavin adenine dinucleotide hydrogen, then third is coenzyme Q, this is basically required for the like transfer of your like translocation of your like electrons, means एक side से दूसरी जगह पे convert करना जहाँ उनको लेके जाना, for that purpose we are requiring your coenzyme Q, this is also known as ubiquinin and this is present everywhere in the body, ठीक है, सब जगह पे होता है, तो this can be easily like work, ठीक है, in your ETC. Then these are the like five complexes, ठीक है, total five complex होते हैं body में बच्चे, जो चाहिए होते हैं basically, ठीक है, इनके बिना like जो ETC है वो run नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी run नहीं होएगा इनके बिना. See student, this is your first complex, this is known as NADH-CoQ, ठीक है, मतलब coenzyme reductase, इनको हम NADH dehydrogenase complex भी बोल देते हैं, ठीक है, why so, because like this complex is further having like some, मतलब उनके पास कुछ और भी चीजें होती हैं, ठीक है, तो complex क्यों बोला जाता है, because this is like further having मल्टीपल थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कम्प्लेक्स है, ठीक है, फर्स्ट वाला, दिस इज नोन एज NADH dehydrogenase, उसके पास जो सबसे पहली चीज होती है, दैट इज योर FMN. FMN stands for flavin mononucleotide, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज होती है उनके पास. देन इज सेकेंड, उनके पास आयरन सल्फर कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं कि आयरन और सल्फर की प्रोटीन्स होती है इनके पास, ठीक है, सो दीज आर द टू लाइक इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स बोल लो इनके, ठीक है, जो क्या है एज अ लाइक पार्ट होते हैं इनके, ठीक है. प्रोस्टैटिक होते हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब जिनके बिना सरता नहीं है, लाइक इट मे बी आर्टिफिशियल, ठीक है, बट इनके बिना लाइक जो वर्किंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, सो इसको हम क्या है, प्रोस्टैटिक बोल देते हैं, ठीक है, मतलब वर्क के लिए उनको चाहिए, ठीक है, साथ में क्या है बच्चे, ठीक है, देखो जो ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे, ठीक है, दिस इज लाइक
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से बच्चे लिए जाते हैं, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, जहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स अपने लेने हैं NADH से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो जो क्या है एक्सेप्ट किए जाते हैं NADH से, देन इट आल्सो कंटेन योर COQ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था NADH COQ रिडक्टेज, देन जो कोएंजाइम Q है, ठीक है, यूबिकिनोन आई कैन से, वो क्या है, ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से ले लेता है, एंड देन वो पास करता है FMN को पहले, FMN से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, देन FMN जो है दिस विल बी लाइक रिड्यूस इनटू FMNH, ठीक है, उसमें H2 में रिड्यूस हो जाता है ये, देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर पास थ्रू योर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, दीज आर लाइक 6 to 9 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन एंड सल्फर आर देयर, देन ये अगेन क्या है FMN में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनको दे देगा, ठीक है, देन वहां पे क्या है जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से वो क्या है मैट्रिक्स की तरफ पास हो जाते हैं। सी स्टूडेंट्स, देन ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है मैट्रिक्स की तरफ पास हो जाते हैं, दिस विल, ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हेन वी डू योर लाइक एक्चुअल में जब हम प्रोसेस करेंगे, देन दिस इज योर सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज नोन एज, ठीक है, सक्सीनेट CoA रिडक्टेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेट कॉम्प्लेक्स, then third complex this is known as QA cytochrome C reductase or cytochrome BC complex, then fourth one is known as cytochrome oxidase, and last but not least this is a very important one because this is the only like complex or I can say enzyme which is involved in your oxidative phosphorylation, this is your ATP synthesis and it has two further subunit that is F0 and F1, ठीक है, तो इस करके कई बार इसको बच्चे F0 F1 ATPase भी बोल देते हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज लाइक नोन एज दिस, ठीक है, इनको ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है। सो आगे देखो, अब जो इम्पोर्टेंट है आपकी जो चीज हमें अब करनी है, ठीक है, सी स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूर ETC, डोंट बी, ठीक है, सो मच, ठीक है, थॉट्स की हाँ भी कितना कॉम्प्लेक्स है अगर आप समझ के करोगे के वैसे नहीं। सी स्टूडेंट, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं आपके, आपको इतना पता है, ये जो मैंने बनाया हुआ है दिस आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, सी दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज नोन एज IMM, दिस इज द स्पेस, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है दिस इज नोन एज IAM, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन स्पेस IMS, सो दीज आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस जो हमने अभी पढ़े, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या थी बच्चे हमारे पास, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कोएंजाइम क्यू होना चाहिए, साथ में क्या है कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए 5, ठीक है, होने कहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया में, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रीफ में मैंने उसको खोल के लिख दिया है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, सो दीज आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस एंड दिस इज पर्टिकुलरली यूज इन योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसका यूज सबसे लास्ट में आएगा, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट। सी स्टूडेंट, दिस इज योर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, कहाँ से आया वो माइटोकॉन्ड्रिया का ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैंने उसको बड़ा करके बना दिया है, सी दिस इज योर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADH, दिस इज योर निकोटिनामाइड, ठीक है, एडिनिन, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हाइड्रोजन, जब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास आता है बच्चे, दिस इज योर NADH डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेशन करना मतलब हाइड्रोजन रिमूव करेगा ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का काम क्या है कि इसने डिहाइड्रोजनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है इसने, व्हेन इट गिव्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये इसको दे देता है बच्चे, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू अगेन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म, दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म, दिस वन, दिस इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ दिस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, ठीक है, दैट इज NADH, जब इसमें ये कन्वर्ट हो गया तो इसने क्या है अपने 2 इलेक्ट्रॉन जब दिए ना, तो इसके पास क्या है, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो देने की वजह से क्या है इसने क्या है
ड्यू टू इट्स एक्शन डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे क्या है, मेरे पास फोर प्रोटॉन्स निकल गए, मीन्स देयर इज अ रिमूवल ऑफ योर फोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, ये रिलीज हो गए हैं मेरे पास जो फोर इलेक्ट्रॉन सॉरी फोर हाइड्रोजन है, ठीक है, क्यों हुए हैं रिलीज, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, जब इसने थ्री को पास करने हैं बच्चे, ठीक है, इसने तो सिंपली इसको दे दिए, व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पास इनटू थ्री, टू में नहीं जाते बच्चे, ये टू का यूज बाद में आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वेट स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जब वो जाता है बच्चे, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसने थर्ड को कम्प्लेक्स को पास किए, अब सीधे नहीं पास कर सकता, बिकॉज जो आपके कम्प्लेक्सेस है ना बच्चे, सारे के सारे, ठीक है, दीज आर लाइक, ठीक है, जो जितने भी कम्प्लेक्सेस है आपके, सारे के सारे क्या है, स्टेबल है, वो स्टेबल ही रहेंगे, ठीक है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते, मतलब यहाँ पे फिक्स है, वो वहीं पे ही फिक्स है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ योर एंजाइम दैट इज नोन एज यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू। When these electrons are passed to your coenzyme Q, this will be converted into COQ H2। इसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, coenzyme Q क्या है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। This is your complex 2 जो नीचे बना हुआ है, this is your Q, coenzyme Q, इसकी हेल्प से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, थर्ड में पास हो गए। व्हेन देयर इज अ ट्रांसलोकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कम्प्लेक्स 1 टू कम्प्लेक्स 3, सो देयर इज अ रिलीज ऑफ योर फोर प्रोटॉन्स, ठीक है, वो फोर प्रोटॉन क्या है, रिलीज कर देता है स्टूडेंट्स। देन अगेन, ठीक है, यहां से जब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज ऑल्सो लाइक द स्टेबल वन, ठीक है, ओके बच्चे, सो दिस इज योर थर्ड। अब क्या है, थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो मैंने टू इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, ठीक है, तो जब इस पे आ जाएंगे बच्चे तो क्या होएगा, ठीक है, इसमें अभी यूबिक्विनोन क्या है, इधर तो था ही था, यूबिक्विनोन कैन बी एवरीवेयर, ठीक है, वो हो सकता है सब जगह पे, बट यहाँ पे क्या होता है, जब इधर वाला आता है तो देन देयर इज अनदर लाइक कम्प्लेक्स इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज साइटोक्रोम सी, दिस इज ऑल्सो अ मोबाइल कैरियर। ये क्या है, दो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या है ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, हमारे ये क्या है, कम्प्लेक्स फोर की तरफ क्या है, मूव कर देता है, शिफ्ट कर देता है। वाइल डूइंग शिफ्टिंग, ठीक है, देयर इज अनदर रिलीज ऑफ योर फोर इलेक्ट्रॉन्स। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो गए। देन अगेन, जहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जब फोर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो देन देयर इज अ रिलीज ऑफ अनदर टू इलेक्ट्रॉन्स सॉरी हाइड्रोजन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स दोबारा से रिलीज हो गए। अब जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे फोर क्यों हो रहे हैं रिलीज, बिकॉज जो दो हाइड्रोजन्स हैं दे विल कंबाइन विद योर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ वॉटर, ठीक है, दो हाइड्रोजन यूज हो गए वाटर बनाने के लिए, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो हाइड्रोजन कम है स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, देयर इज अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, यहाँ पे भी चार हो गए, यहाँ पे भी चार हो गए, देन क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, देन क्या होता है बच्चे, ठीक है,
जब ये प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, हमारे आईएमएस में देखो जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चे, ज्यादा हो गई. सी देयर इज अ हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. जितनी हाइड्रोजन आयन्स का ज्यादा होंगे उतनी क्या है पीएच कम होएगी. दिस इज अंडरस्टूड कि एसिडिक पीएच हो गई है. तो करते क्या है बच्चे, फिर यहाँ पे क्या है, प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है. प्रोटोन ग्रेडियंट क्या होता है, मींस जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कंसेंट्रेशन को बैलेंस करना. सपोज एक साइड पे ज्यादा है कंसेंट्रेशन, तो दूसरी साइड क्या है, अपने आप क्या है हाइड्रोजन आयन्स का फ्लो होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज योर मेम्ब्रेन इज लाइक टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स इन द बॉडी, ठीक है. वो अपने आप ही क्या है, हमारा प्रोटोन जनरेट हो जाएगा ग्रेडियंट. बिकॉज द इनसाइड योर आईएमएस देयर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ योर एच पॉजिटिव आयन्स. एंड यहाँ पे क्या है, आपके इस साइड पे क्या है, जो मैट्रिक्स है वहां पे हाइड्रोजन आयन कम है. बिकॉज देयर इज अ लो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, सो दैट इज व्हाई प्रोटोन ग्रेडियंट इज जनरेटेड हियर अलोंग विद इट. देन क्या होता है, जब ये यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है, सी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से क्या है, दिस विल पास थ्रू योर एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स. दिस इज योर एटीपी सिंथेसिस. देयर आर टू फॉर्म ऑफ दिस. फर्स्ट इज योर एफ नॉट एंड सेकेंड वन इज योर एफ वन, ठीक है. एफ नॉट एफ वन. सी When there is a release of your hydrogen, ठीक है, जब वो हाइड्रोजन इधर से इधर आता है तो देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वहां के ऊपर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है. तो देन उस एनर्जी को कौन यूज करता है, दिस विल बी यूज्ड बाय योर एडीपी, ठीक है, टू कंबाइन विद ऑर्गेनिक फॉस्फेट. ऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब जो पहले से ही होते हैं, ठीक है, बॉडी में. दिस विल हेल्प टू बाइंड विद योर एटीपी एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू एटीपी. सी यहाँ पे मेरा क्या है, फिर एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे कैसे वो रिएक्शंस है वो पास होती है. एंड दिस इज द सेकेंड वन. सेकेंड का रोल हम यहाँ पे देखेंगे. सी दिस इज योर सक्सीनेट. पहले जो एनएडी एच वाले जितने भी है वो पहले फर्स्ट पे जाएंगे कम्प्लेक्स पे, पहले थ्री पे, फिर फोर पे, देन फाइव पे. बट जो ये वाला है, जो एफएडीएच है, ये सीधा सेकेंड से स्टार्ट होता है. सो दैट्स व्हाई जो एनएडीएच जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है वो क्या है, टू वाले को बाईपास करते हैं, उनका टू में कुछ भी नहीं होता. सी स्टूडेंट, वहां पे जब एफएडीएच टू जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एफएडी, मतलब सक्सीनेट जब फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस. बट पहले स्टेज में क्या है, ये कुछ भी रिलीज नहीं करता. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये नहीं आते, बिकॉज सीधे ही इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं. देन जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं थर्ड की तरफ, सेकेंड से अब ये भी थर्ड की तरफ आएंगे, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ योर एच आयंस. सी उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है टू डिस्टिंग्विश कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है. सो दीज फोर इलेक्ट्रॉन्स आर अगेन फॉर योर एफ ए डी एच टू, ठीक है. देन ठीक ये भी किसके साथ होते हैं बच्चे, क्यूनॉन, ठीक है, आपके यूबी क्यूनॉन के साथ क्या है, पास होते हैं. बिकॉज दिस इज फिक्स वन, ठीक है, ये हिल नहीं सकता. देन थर्ड से क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है फिर से क्या है, साइटोक्रोम सी की तरफ से जाते हैं एंड दे आर लाइक रिलीज, ठीक है. जब फोर की तरफ जाएंगे थर्ड से, तो ये यहाँ पे क्या है, दो चले जाते हैं, दो फिर से क्या है, पानी बना देंगे ऑक्सीजन के साथ मिलके. सो दिस इज द होल प्रोसेस कि एफ ए डी एच की फॉर्म में क्या हो रहा है, और मेरे पास अगर एन ए डी एच है तो उसकी फॉर्म में क्या होता है, ठीक है. सो दिस इज द लाइक ओवरव्यू, और आई कैन से द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ईटीसी. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ लाइक पार्ट ऑफ योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. दिस विल बी डिस्कस इन डिटेल, ठीक है. सी स्टूडेंट, अब मैंने आपको उक्कम बुक्का एक तरह से मैंने बता दिया था कि जो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन आयन बढ़ी जा रहे हैं, तो एटीपी सिंथेसिस का क्या काम है, उनको इधर जाई जाना, ठीक है. तो जब भी, ठीक है, इधर आता है तो ये एटीपी ऐसे नहीं है कि एक हाइड्रोजन आया तो ये फटाफट से क्या है बन जाएगा. इन द बुक्स और आई कैन से ऑन द इंटरनेट जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टिल देयर इज अ लाइक कंफ्यूजन. कोई मतलब उनको डिटेल नहीं मिला. कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि एक एटीपी, मतलब जो एनएडीएच में से
10 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो क्या है, उक्का बुक्का से मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 एटीपी जनरेट करता है. बट स्पेसिफिक इन सम बुक्स दे आर लाइक सेइंग कि जितनी भी है लाइक एटीपी मॉलिक्यूल की जनरेशन है वो क्या है, जब 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन्स इधर से इधर आते हैं देन ही क्या है एडीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी. सो देखो टोटल कितने थे, 10 थे बच्चे, मतलब एक एटीपी बनने के लिए मेरे पास कितने हाइड्रोजन आयन चाहिए, 4. तो इनके अकॉर्डिंग देयर इज अ टोटल जनरेशन ऑफ योर 2.5. तो उसको हम लाइक राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि दिस विल जनरेट योर 3 एटीपी मॉलिक्यूल पर योर एनएडीएच ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, कि एक एनएडीएच है वो क्या है, टोटल 3 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है. सम बुक्स हैव रिटन कि ये 3 जो एटीपी है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन की वजह से ही क्या है एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है. सो दिस इज नॉट लाइक ऑब्वियस कि अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे हो रहा है. ठीक है, तो आप इसको यही वाला लिख लो कि 4 हाइड्रोजन दिस विल जनरेट 1 मोल ऑफ एटीपी एंड एफएडी वाला कितने कर रहा था जनरेट, वो 6 ही कर रहा था, इससे 1.2 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 2 मोल्स ऑफ एटीपी जनरेट कर. सी, सो दिस इज अबाउट द ईटीसी. ठीक है, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल, सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोएंजाइम दैट इज नोन एज यूबिकिनोन एंड साइटोक्रोम सी, बोथ आर mobile carriers. During translocation of electrons from one complex to another, there is a release of your hydrogen ions. So this is all about your, ठीक है, overview, जब बोलो detail explanation. Then next हम क्या है complexes को करेंगे study. First complex हमने study कर लिया था. Then this is your second complex. This is known as your succinate dehydrogenate complex. This having FAD plus फेरिक सल्फर सेंटर्स, दीज आर 3 इन नंबर. ठीक है, इनका काम क्या है, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सक्सीनेट टू कोए. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि कोए को पहले देते हैं ये, देन कोएंजाइम क्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू COQH2, रिड्यूस फॉर्म में चले जाएगा वो थ्रू एफएडी, ये इसका पहला सेंटर है, एंड देन फेरिक सल्फर सेंटर अलॉन्ग विद प्रोटॉन्स. सो 1 FADH2 molecule, this give hydrogen ions, coenzyme Q, this is ubiquinone and this will act as a mobile carrier here. Then this is your complex 3. This is your complex 3 and this is known as your coenzyme Q cytochrome reductase. ठीक है, ये reductase वाला enzyme है. See, this is having cytochrome B. इसके भी पार्ट्स होते हैं आगे. दिस इज हैविंग साइटोक्रोम बी, 2 होते हैं ये, साइटोक्रोम C1, FE सल्फर, इसका एक ही सेंटर होता है. यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है,